उत्तर प्रदेश न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलते हैं आज की खबरों की तरफ। यूपी की 10 सीटों पर होने वाला उपचुनाव दिलचस्प होने जा रहा है। सीएम योगी ने इन सीटों पर अभी से कमर कस ली है। मंत्रियों की फौज इन सीटों पर लगा दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन 30 मंत्रियों के साथ बैठक की जिन्हें चुनाव वाली सीटों पर प्रभारी बनाया गया है। बैठक में मंत्रियों को सभी सीटें जीतने का टास्क देते हुए कहा है कि हर हाल में 10 सीटें जीतना है। इसके लिए मंत्री सप्ताह में कम से कम 2 दिन उसी क्षेत्र में रात को जरूर रुकें और चुनाव खत्म होने तक वहां पर डटे रहें। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को बूथ स्तर तक के सभी कार्यकर्ताओं से संवाद करने और उनकी समस्याओं का निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। चलते हैं हमारी खबर की तरफ। हाथरस हादसे पर साकर हरी ने चुप्पी तोड़ी है। कहा है कि होनी को कौन टाल सकता है, जो आया है उसे जाना है। हम लोगों को कानून और जांच टीम पर पूरा भरोसा है। हादसे के बाद एक बार फिर बोले बाबा उफ नारायण सरकार, हरी उफ। सूरजपाल मीडिया के कैमरे के सामने आए। उन्होंने कहा है कि 2 जुलाई की घटना से मैं दुखी और उदास हूँ, लेकिन जो होना था वो तय था, उसे कौन रोक सकता था। जो आया है उसे एक दिन जरूर जाना है। चलते हैं हमारी खबर की तरफ। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा 2027 में 2017 वाला कारनामा दोहराएगी। कहा है कि यूपी में सपा के गुंडा राज की वापसी असंभव है। बता दें कि 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने सहयोगी दल के साथ मिलकर 325 सीटों पर जीत दर्ज की थी। केशव मौर्य ने सोशल साइट एक्स पर कहा कि सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी भाजपा की देश और प्रदेश दोनों जगह पर मजबूत संगठन और सरकार है। यूपी में सपा के गुंडा राज की वापसी असंभव है। भाजपा 2027 में विधानसभा चुनाव में 2017 दोहराएगी। चलते हैं हमारी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और राज्य में पार्टी के संगठन मामले से जुड़े कई मुद्दों पर बात की है। चौधरी और राज्य के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से अलग अलग मुलाकात की थी। मुलाकातों में ये सिलसिला राज्य में पार्टी के भीतर से असंतोष के सवर उभरने के संकेत के बीच चल रहा है। लोकसभा चुनाव में यूपी में भाजपा को सपा कांग्रेस संगठन के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। चलते हैं हमारी खबर की तरफ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करने राजभवन पहुंचे। इस मुलाकात को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि यूपी में मंत्रिमंडल फेरबदल हो सकता है। मुलाकात को इस चीज से जोड़कर देखा जा रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल को एक पुस्तक भी भेंट की है। लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद से ही यूपी भाजपा में हलचल मची हुई है। इन चुनाव में भाजपा को अपेक्षित सफलता नहीं मिली। 2 दिन पहले लखनऊ में हुई भाजपा कार्य समिति की बैठक में भी चुनाव परिणाम को लेकर अलग अलग बयान सामने आए, जिससे पार्टी व सरकार के बीच दूरियां होने की बात कही जा रही है। चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। सिपाही नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती के लिए 6 माह में दोबारा लिखित परीक्षा कराने में 1 माह देरी हो सकती है। परीक्षा कराने की तैयारी में जुटे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं बोर्ड की राह में कड़वा यात्रा बाढ़ रुकावट डाल रही है। अधिकारियों के मुताबिक यात्रा खत्म होना और बाढ़ की स्थिति सामान्य होने पर परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसके बाद अब सितंबर तक परीक्षा देने वालों को इंतजार करना पड़ सकता है।